नमस्कार प्रणाम, आप सभी को पैर चुके हैं। आज बात करते हैं राजन सिंह मुकुट जी के बारे में। मेरे भाई, आप सभी को नहीं पता है तो लीजिए मैं बता रहा हूँ कि आप बंदे के पास शार्क माइंड है, गजब का मान गया यार। मेरे भाई, तुम्हारे जैसे अगर दिमाग हो ना तो हर पब्लिक को चूतिया बनाने का मतलब क्या मजा आ जाएगा यार। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ मेरे भाई, आप सभी को पता होगा कि राजन सिंह मुकुट जो है खेसारी लाल को टारगेट करता है, खेसारी लाल के बारे में उल्टा सीधा वीडियो बनाता है। 100 वीडियो अगर बनाएगा खेसारी लाल के बारे में, मानिए 20 वीडियो बनाएगा खेसारी लाल के यादों के बारे में, तो एक वीडियो अदर का डाल देगा कि लोगों के नज़र में मैं अच्छा रहूं, लोग मुझे ये ना कहें कि वन ले वन खेसारी को टारगेट करता है। एक दो वीडियो इधर उधर का डाल देगा मेरे भाई। तो आप मतलब इससे ये मत समझिएगा कि राजन सिंह मुकुट जी के बारे में अंदर क्या है क्या नहीं है। मैं आज फिर से एक नया बताता हूँ। कल मैं देखा उसका वीडियो, एक बॉस फीचर जो है पवन भैया का, उस वीडियो बारे में उल्टा सीधा आके बोल दिया कि पवन भैया ये नहीं वो नहीं वो नहीं। मेरे भाई इसके अंदर क्या है ये देखिए, बाहर नहीं, ये तो ऊपर के मन से बस पब्लिक के नज़र में अच्छा बनने के लिए पवन भैया के कि मैं पवन खिलाफ ही वीडियो बनाता हूँ उसके लिए वीडियो डाला गया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है। देखिएगा फिर से खेसारी खिलाफ वीडियो आता रहेगा, मतलब जो भी है डालता रहेगा बंदा, डाल भी दिया है फिर से एक बार खेसारी के विषय में, श्याम जाति खेसारी और दिनेश लाल यादव के बारे में डाल दिया है फिर से वीडियो। मैं जानता हूँ वो बंदा यही करेगा, दिमाग बंदे के पास बहुत तगड़ा है। मेरे भाई, आप सभी को पता होगा कि बॉस फिल्म जो आ रहा है कि पवन भैया का है, पावर स्टार है, ये है, बढ़िया फीचर होगा, जो फाइट सीन है, जो दहाड़ है, उस तरह का फीचर है। लेकिन इस बंदे ने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उनके फिल्म के ट्रेलर को भी गलत कर दिया, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। मेरे भाई, तो इसके चक्कर में मत पड़िए, बंदा ये जातिवाद कराता है तो करता ही। अपने आप को अच्छा होने के लिए पवन भैया के वीडियो को मतलब बीच में लाया, पवन भैया के ट्रेलर को बीच में लाया कि मैं लोग मुझे अच्छा कहें, मैं मतलब हर किसी को टारगेट करता हूँ, इसके लिए ये बंदा उसे लाया। बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है, फिर से इसका अगला काम वही होगा, खेसारी जी को टारगेट। देखिए आ भी गया टारगेट, आ गया एक वीडियो, मैं इसका भी जवाब दूंगा। बस इस वीडियो को शेयर मारते रहिए कि इसके अंदर क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। प्लीज यार मेरे भाई, इसे शेयर मारते रहिए, बंदे को पता, हर किसी को पता चले कि बंदा कितना शार्क माइंड है, कैसे पब्लिक को चूतिया बना रहा है मेरे भाई। और पवन भैया का जो ट्रेलर है, ट्रेलर देख लीजिए क्या गजब का पिक्चर है, इसके चक्कर में मत पड़िए कि पवन का फ्लॉप पिक्चर है। वो तो अपने आपको मतलब अच्छा बताने के लिए उस वो फ्लॉप किया है कि लोग मुझे अच्छा समझे कि हर किसी को टारगेट करता हूँ। बस मेरे भाई, नमस्कार प्रणाम आप सभी को, दबा के शेयर मारिए, थोड़ा इसके बारे में पता चल जाए। और अगला मेरा वीडियो जो दिनेश लाल यादव और श्याम देहाती और खेसारी के बीच में हुआ, उसका जवाब लेकर आऊँगा। तो बस इसे थोड़ा शेयर मार दीजिए कि लोगों को पता चल जाए कि बंदे के अंदर क्या है क्या नहीं है। प्लीज़ शार्क माइंड बंदे का वीडियो थोड़ा शेयर मार दीजिए, पता चल जाए लोगों को।